मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज लोगों के होंगे रूबरू। कैप्टन तो पूछो प्रोग्राम राही लोगों के सवालों के देंगे जवाब। पंजाब विच कोरोना मरीजों का आंकड़ा होया 9000 तो पार। एक्टिव केसां दी 2830 तक पहुंची गिनती। कोरोना करके पंजाब बीते दिन हुई 9 मौत। हुण तक पंजाब विच कोरोना करके 239 लोग गवा चुके ने अपनी जान। लुधियाना तो 62, अमृतसर तो 34, पटियाला तो 56, मोहाली तो 14, रोपड़ तो 7, फरीदकोट तो 7 ते फिरोजपुर तो 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने। जलंधर में 78 होर कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। हुण तक जिले में कोरोना मरीजों की गिनती हुई 1533 ते कोरोना करके 32 लोगों की हुई मौत। होशियारपुर में कोरोना वायरस का होया धमाका। बीएसएफ के 31 हुए कोरोना पॉजिटिव। कुल 34 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। मलेरकोटला के अमलगढ़ में 3-3 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। पठानकोट तो भी 4 नवे कोरोना मरीज आए सामने। पठानकोट हुण तक 9 कोरोना पीड़ितों की हो चुकी है मौत। लुधियाना में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस सख्त। 15 जून तो लेकर 15 जुलाई तक कटे 1 करोड़ के चलान। कुल कट्टे गए 27,700 चलाना चो 25,419 चलान मास्क ना पाउण ते कट्टे गए। मास्क ना पाउण वाले तो वसूले गए 1,11,09,600 रुपए। बठिंडा थर्मल ढाण लई कड्डे गए 132 करोड़ के टेंडर का अकाली दल वालों किया गया विरोध। सूबा सरकार ते अकाली दल ने करोड़ों की जमीन कब्जाने लई लैंड माफिया नाल मिली भुगत ते लगाया इल्जाम। अकाली आगू बंटी रोमाणा ने कहा मनप्रीत बादल ने निजी फायदे लिए बंद करवाया थर्मल। विदेश कंपनी तो पराली नाल थर्मल चलाने के सुझाव का मनप्रीत बादल ने किया विरोध। श्री अकाल तख्त साहब वालों पावन स्वरूपों के गायब होने संबंधी दोषों की जांच शुरू करने का ऐलान। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीबी नविता सिंह करेंगे मामले की जांच। तेलंगाना हाईकोर्ट के एडवोकेट भाई ईश्वर सिंह होंगे सहायक। लोड़ पैंते सिख विद्वाना श्रोमणी कमेटी के मौजूदा ते सबका अधिकारी दियां लईयां जाणगियां सेवावां। मई 2016 में अग लगन ते बुझाण दौरान नुकसाने गए सन 14 पावन स्वरूप। नुकसाने गए स्वरूपों का गोइंदवाल साहब विखे किया गया अंतिम संस्कार। कैप्टन सरकार का जल विभाग उपर चलाया कुहाड़ा। सरकार ने 8,700 के करीब असामियां खत्म करने का किया ऐलान। मुलाजम आगुआ ने सरकार के फैसले का किया विरोध। खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने पंजाब के मुलाजमान को दिता वड्डा झटका। नवे भर्ती मुलाजमान को केंद्रीय तनखा कमिशन नालों वध स्केल ना देने का जारी किया फरमान। मलेशिया तो वतन परते पंजाबी नौजवान क्वारंटीन पूरा करने के बाद पहुंचे आपो अपने घर। नौजवानों वालों केंद्रीय मंत्री सिमरत कौर बादल का किया गया धन्यवाद। मलेशिया फंसे नौजवानों ने मदद लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने की थी अपील। जिस बाद हरसिमरत कौर बादल वालों नौजवानों की कराई गई वतन वापसी। वीआईपी नंबर फर्जी ढंग वेचण का मामला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मोगा के डीटीओ पाई छुआ। डीटीओ की मिली भुगत वेचा गया नंबर। कोर्ट ने नंबर ऑनलाइन चढ़ाने के दिते हुक्म। साल 2007 में मोगा के डीटीओ की मिली भुगत साल 1975 में जारी वीआईपी नंबर 5 लाख मुड़ वेचा। नंबर के मालिक के पता लगन बाद हाईकोर्ट का किया गया रोक। श्री मुक्तसर साहब पिता वालों पुत्र का कतल। मृतक के सिर से लोहे की सब्बल नाल किया गया वार। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके की बदमाशा ने घर दाखिल होकर बोलिया धावा। बदमाशा वालों घर की गई भनतोड़। पुरानी रंजिश चलद किया गया हमला। हमले च परिवारिक मैंबरों ने मुश्किल नाल बचाई जान। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद। टिकटॉक डाउनलोड करने वाले ते पंजाब पुलिस की सख्ती। पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम सैल ने लोगों को दी चेतावनी। किसी भी एपीके फाइल नूं डाउनलोड ना किया जाए। नकली टिकटॉक डाउनलोड करने लिए एसएमएस या व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं।
रामपुरा फूल दी टुटिया सड़कां खोल रही ने प्रशासन की पोल पूरे शहर च एक भी साफ सड़क नहीं सड़क की खस्ता हालत होने करके राहगीर के स्थानक लोग परेशान सड़क के थां थां खड़िया सीवरेज का पानी मलोट मुक्सर रोड की हालत खस्ता होने करके हर रोज वापरते हैं हादसे लोगों को दिक्कतों का करना पै रहा सामना फिरोजपुर नगर निगम की वड्डी लापरवाही कई मोहल्लों च खड़ा गंदा पानी बीमारी ने दिता जा रहा सदा अमृतसर च पिया मीह लोगों को गर्मी तो मिली राहत मीह नाल शहर च कई थावां ते हुई जलथल रोहतक पीजीआई कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू तीन लोगों को दी गई वैक्सीन भारत बायोटेक वालों बनाई गई कोवैक्सीन से कुछ महीनों का ट्रायल पूरा होने की आस भारत में कोरोना मामले की गिनती 10 लाख तो हुई पार पिछले 24 घंटे 34,956 नवे केस आए सामने 671 मरीजों की हुई मौत भारत में 3,42,473 कोरोना पॉजिटिव लोगों का चल रहा इलाज 6,35,757 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात।